हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में। सितंबर महीने में कई तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पालक के बारे में। पालक को हम कैसे उगाते हैं? जब भी हमने पालक की खेती करनी हो तो सबसे पहले हमने वेलड्रेन मिट्टी बनानी है। वेलड्रेन मिट्टी बनाने के बाद इसके बीज को मिट्टी में दबा देना है, और एक लीफी वेजिटेबल है, इसके जो पत्तेदार सब्जी होती है बहुत स्वादिष्ट होती है। पालक की हम 3 से 4 बार कटाई कर सकते हैं। जैसे ही हम इसकी कटाई करते हैं उसके बाद फिर से इजीली ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट वेजिटेबल में हम बात करेंगे आलू के बारे में। आलू को लगाने के लिए हमने वेलड्रेन मिट्टी बनानी है, और इसकी जो मिट्टी होती है उसमें कंपोस्ट अच्छे से मिलाया होता है। इसको लगाने के लिए हमने पुराने आलू के जो अंकुर निकले होते हैं उनको बीच से काटना है, और इनके छोटे छोटे पीस मिट्टी में दबा देने हैं। जिस मिट्टी में हम आलू लगाते हैं उसमें पानी की कमी भी नहीं होनी चाहिए, और जो मिट्टी है वो सॉफ्ट बनी रहनी चाहिए। आलू ज़मीन के नीचे लगते हैं, इसलिए इसकी मिट्टी जितनी सॉफ्ट होगी इसकी जो फसल है, इसकी जो पैदावार है, वो भी उतनी अच्छे से होगी। हार्ड मिट्टी में आलू अच्छे से नहीं उगते हैं। एक बात और है कि जब भी हम आलू के अंकुर को मिट्टी में दबाते हैं तो इसके ऊपर चींटियों का अटैक ज़्यादा रहता है। चींटियों से बचाने के लिए हमें इसकी मिट्टी में नीम खली का जो पाउडर होता है उसको भी ज़रूर ऐड कर लेना है। नेक्स्ट वेजिटेबल है बीट रूट यानी कि चुकंदर। इसको भी हम बीज से ग्रो करते हैं, और ये वेलड्रेन मिट्टी में अच्छे से ग्रो होता है। इसको लगाने के लिए हमने वेलड्रेन मिट्टी में इसके बीज को दबा देना है। चुकंदर इजीली ग्रो हो जाता है। इसका उपयोग हम सलाद के रूप में भी करते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहता है जिनके शरीर में आयरन की कमी होती है, तो चुकंदर को तो हमने अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है ये है अनियन। अनियन को भी हम वेलड्रेन मिट्टी में इसकी नर्सरी तैयार करते हैं, इसके बीज लगा देते हैं। जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है तो इसको हम खेत में खुले खुले में लगा देते हैं। इसके एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी है वो कम से कम 3 से 4 इंच की होनी चाहिए। तो इसकी नर्सरी को जब 4 से 5 इंच की हो जाती है तो हम इसको अलग अलग करके लगा देते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है ये है मूली। मूली को लगाने के लिए भी हम वेलड्रेन मिट्टी बनाते हैं, और इसके जब हम बीज लगाते हैं तो इसके जो बीजों की दूरी है आपस में वो कम से कम 5 से 6 इंच की होनी चाहिए, तभी जो है मूली वो अच्छे से ग्रो करती है। मूली के पत्तों की भी सब्जी बनाई जाती है, और मूली को हम ज़्यादातर सलाद के रूप में ही खाते हैं। इसके पत्तों में काफ़ी ज़्यादा आयरन होता है, तो इस सब्जी को तो हमें अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है गाजर। गाजर को भी हम मूली की तरह ही लगाते हैं, वेलड्रेन मिट्टी में इसके बीज दबा देते हैं, और काफ़ी दूरी दूरी पर इन बीजों को लगाते हैं। गाजर को हम सब्जी के रूप में भी खाते हैं और सलाद के रूप में भी खाते हैं। गाजर जो होती है वो हमारी आँखों के लिए बहुत उपयोगी होती है, तो इसको भी हमें अपने किचन गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है ये है फूल गोभी। फूल गोभी को लगाने के लिए हम पहले इसकी नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी लगाने के लिए वेलड्रेन मिट्टी में इसके बीजों को लगा देते हैं। जब इसके नर्सरी तैयार हो जाती है, इसके जो प्लांट है वो 5 से 6 इंच के हो जाते हैं, तब उनको हम अलग अलग करके लगा देते हैं। इसके भी एक प्लांट से दूसरे प्लांट की जो दूरी होती है वो कम से कम 6 से 7 इंच की होनी चाहिए। फूलगोभी की नर्सरी जब भी हम तैयार करते हैं तो उसके ऊपर इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी होता है, तो हमें उसकी जो नर्सरी होती है उसी के ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। जब भी प्लांट हम इसको अलग अलग करके खेतों में लगा देते हैं तब भी इसके ऊपर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो फूलगोभी होती है इसके ऊपर इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी होता रहता है। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी हम फूल गोभी की तरह ही लगाते हैं। वेलड्रेन मिट्टी में इसके बीजों को दबा देते हैं, और जब इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है तब हम इसको अलग अलग करके खेतों में लगा देते हैं।
इसके जो प्लांट होते हैं उनकी भी आपस में दूरी 6 से 7 इंच की होनी चाहिए, तभी ये प्लांट अच्छे से ग्रो करते हैं। इंसेक्टिसाइड का स्प्रे इस प्लांट के ऊपर करते रहना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी इसके ऊपर इंसेक्ट लग जाते हैं। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है टर्निप, यानी कि शलजम। शलजम को भी हम मूली की तरह ही वेल ड्रेन मिट्टी में लगाते हैं, दूरी दूरी पे इसके बीजों को लगा देते हैं और उसके बाद ये जो प्लांट है तैयार हो जाता है। शलजम को ज़्यादातर हम सलाद के रूप में खाते हैं, इसकी पत्तियों की सब्जी बनती है। नेक्स्ट वेजिटेबल है सरसों। सरसों एक लो मेंटेनेंस वेजिटेबल है, इसको उगाने के लिए हम वेल ड्रेन मिट्टी में इसके बीजों को लगा देते हैं और ये आसानी से ग्रो हो जाता है। इसकी पत्तियों का साग बनाया जाता है और जब भी प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं तो इनके जो बीज निकलते हैं इनके बीजों से सरसों का तेल भी बनता है, तो इसको भी हमें अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है लहसुन। लहसुन को उगाने के लिए हमने लहसुन के जो गांठ होते हैं उससे कलियों को अलग कर लेना है और अंकुरित कलियों को ही मिट्टी में दबाना है, इससे लहसुन आसानी से ग्रो हो जाता है। अगर लहसुन की जो कलियां होती हैं अंकुरित ना हो तो उसको ऐसी जगह पर रखें जहां हवा और नमी बराबर मात्रा में आती रहे, इससे लहसुन जल्दी अंकुरित हो जाता है और इसको फिर हमें मिट्टी में लगा देना चाहिए। लहसुन का उपयोग ज़्यादातर मसालों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है मेथी। मेथी को लगाने के लिए हम इसको किचन गार्डन में क्यारी के में भी लगा सकते हैं और इसको ग्रो बैग में भी उगा सकते हैं। इसकी सब्जी भी बनाई जाती है और जब मेथी के प्लांट बड़े बड़े हो जाते हैं तो इनमें फली सी बन जाती है और जो फली बनती है उसी में इसके बीज तैयार होते हैं। इसके बीजों को मसालों के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके जो पत्तियाँ हैं उनसे सब्जी बनाई जाती है, तो इसको भी हमें अपने किचन गार्डन में ज़रूर ऐड कर लेना चाहिए। नेक्स्ट जो वेजिटेबल है वो है मटर। मटर को लगाने के लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार की जाती है, इसकी मिट्टी में काफ़ी अच्छे से कंपोस्ट मिलाया जाता है और इसके जो बीज हैं एक बीज से दूसरे बीज की दूरी कम से कम 6 से 7 इंच की होनी चाहिए। जब ये प्लांट 6 से 7 इंच लंबा हो जाता है तो इसको हमें सपोर्ट देनी होती है, चाहे लकड़ी के चाहे किसी धागे से इनको बांध दिया जाता है। इसको सपोर्ट इसलिए दी जाती है कि जब इसमें सब्जी तैयार होती है मटर लगते हैं तो उनके जो वेट होता है उससे इनके प्लांट नहीं तो झुक जाते हैं, तो हमें इनको लकड़ी का सहारा देना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस की सितंबर महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के बारे में।